नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताएंगे आईपीओ में अप्लाई कैसे करते हैं। दोस्तों आप अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या फिर आपने अभी अभी ट्रेड करना शुरू किया नए हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लेके आती है और उस आईपीओ में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो पूरा प्रोसेस मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आप जरोदा कार्ड को ओपन कर लेंगे और राइट साइड में ये आईडी दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप जब टिक करेंगे, जब आप उसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों अगला पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको दिखाई देगा पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, प्रॉफिट एंड लिमिट और आईपीओ। दोस्तों इधर आप आईपीओ पे क्लिक करेंगे। दोस्तों जब आप आईपीओ पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से आईपीओ अभी ओपन हैं, कौन कौन से आईपीओ अभी मार्केट में आए हुए हैं वो दिखाई देंगे आपको। अभी 3 आईपीओ मार्केट में हैं और बाकी के आईपीओ क्लोज हो गए, तो आप क्लोज वाले भी आईपीओ भी देख सकते हैं किस डेट में क्लोज हुए हैं और अभी कौन कौन से आईपीओ खुले हुए हैं वो आप देख सकते हैं। इधर मजगांव, UTIMC और लिखता इंफ्रा के खुले हुए हैं आईपीओ। जो आईपीओ अभी खुले हुए हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इधर आपको दिखाई दे रहा होगा मजगांव में मैं पहले से अप्लाई कर रखा हूँ इसलिए मॉडिफाई दिखाई दे रहा है। इधर आप मॉडिफाई बिड कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस चेंज करना है, शेयर और बढ़ाना है तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं इधर दूसरे आईपीओ में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों इधर मैं आपको लिखता इन्फ्रा में अप्लाई करके दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि मैंने कैसे लिखता इन्फ्रा के आईपीओ के लिए अप्लाई किया। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं लिखता, जब आप जाएंगे लिखता इन्फ्रा पे इधर देखेंगे इसका लॉट साइज कितना है, क्वांटिटी 125। आईपीओ में एक लॉट होता है, उस लॉट के हिसाब से ही आप आईपीओ खरीद सकते हैं, कोई शेयर आपको कम नहीं मिलेगा। 125 का लॉट है तो 125 से आप कम नहीं खरीद सकते हो, 1 से 25 जोड़ते जाइए और कुछ इतना खरीदना है, 125 प्लस करना पड़ेगा। उसमें प्राइस देख सकते हैं 117-120 के बीच में ये खुला हुआ, इसी प्राइस के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, ना तो 120 से ज़्यादा कर सकते हैं ना 117 से कम कर सकते हैं। इसका एंड डेट भी देख लीजिए, ये 1 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा, 1 अक्टूबर के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो इधर दोस्तों आपने लॉट साइज देख लिया 125 का है, प्राइस देख लिया 117-120 के बीच में। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं दिखा दूँ। दोस्तों इधर आप बिड लिखा दिखाई दे रहा होंगे, आईपीओ के आगे बिड दिखाए, उस पर आप जब टच करेंगे तो अगला पेज खुल जाएगा। दोस्तों इधर आप ऊपर देखेंगे लिखा हुआ 10 AM से 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं, मार्केट खुला होना चाहिए उस दिन 10 AM से 5 PM तक। इधर UPI ID, दोस्तों आपको UPI ID वेरीफाई करना होगा, मेरा पहले से वेरीफाई हो रखा है इसलिए वेरीफाई दिखा रहा है। आपको जब फर्स्ट बार ओपन करेंगे, अप्लाई करेंगे आईपीओ में, तो आपको अपना UPI ID वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए आप इधर UPI ID डालेंगे और इधर वेरीफाई पे जब आप इसमें UPI ID डाल देंगे, UPI ID डालने के बाद वेरीफाई पे जब क्लिक करेंगे तो आपका अगर UPI ID सही होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा, तुरंत वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद में एक बात और आपको दोस्त बता दूं कि आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटेगा, न कि डीमेट अकाउंट। तो चलिए दोस्तों इधर इन्वेस्टर टाइप में आप इंडिविजुअल कर लेंगे, अब क्वांटिटी में जाएंगे। क्वांटिटी में आपका लॉट साइज 125 का है तो आपको एक लॉट खरीदना है तो आप 125 डाल दीजिए, अगर आपको दो लॉट खरीदने हैं तो आप 250 डाल देंगे। इसी प्रकार आपको और लॉट साइज बढ़ाना है तो उसमें 125 ऐड करते जाइए। अब नीचे जाएंगे तो देखेंगे दोस्तों इधर प्राइज, तो प्राइस जैसा आपने पहले देखा था 117 से 120 के बीच में, अगर आप 117 इधर डालेंगे तो अगर 117 में अलॉट होगा तो ही आपको आईपीओ मिलेगा, अगर 117 से 18-19 में हुआ तो आपको नहीं मिलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप 117 पे खरीदना चाह रहे हैं। और इधर आप इसी प्रकार आप 18 डाल देंगे तो 18 से ऊपर होगा तो उस पर नहीं मिलेगा, अगर आप 20 डालते हैं
तो आपको 20 तक जिस प्राइज पे आपको मिलेगा तो उसमें मिल जाएगा, बाकी पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्राइज डाल दीजिए, नहीं आप इधर ऊपर कट ऑफ प्राइज भी आप टिक कर दीजिए। तो जिस प्राइज पे अलॉटमेंट होगा, 117 में होगा तब भी आपको मिल जाएगा, अगर मिलना होगा 18 में, 19 में, 20 में, जिसमें भी होगा उसमें मिल जाएगा। इधर नीचे जाएंगे, इधर आप देखेंगे ये कि आप देखेंगे 125 शेयरों के लिए एक लॉट के लिए आपको 15,000 रुपये पे करने होंगे। 15,000 रुपये इधर दिखा रहा है आपका अमाउंट, और ये आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको टिक मारना होगा। आप ये पूरा पढ़ भी सकते हैं आप अगर पढ़ना चाहें। जब आप इस पर टिक मार देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन आईपीओ के लिए सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे इधर मॉडिफाई दिखा रहा है, लिखता है इंफ्रा में, अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप प्राइस आपको लग रहा है कि नहीं मैं 117 में ही खरीदूंगा, तो आप कटअप प्राइस से हटा के इधर प्राइस डाल सकते हैं 117, तो आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाएंगे, इधर प्राइस जितना आप चेंज कर सकते हैं चेंज करके अपडेट कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। ये देखिए आपका अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपका काम इधर ही ख़त्म नहीं होगा। आप अगर इतना ही करके छोड़ दोगे तो दोस्तों आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने बैंक अकाउंट में जो आपने यूपीआई आईडी दिया है उस यूपीआई आईडी पर एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में जो आपका अमाउंट है 15,000, उसको आपको लॉक करना होगा, परमिशन देनी होगी कि हाँ जिस डेट में हमको आईपीओ मिलेगा वो पैसा, अगर मुझे आईपीओ मिलता है तो वो पैसा ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से कट हो जाएगा। तो अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी यूपीआई आईडी में एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आप माई मैंडेट में जाएंगे और मैसेज को ओपन करेंगे, उसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट अगर करते तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे तो इस तरीके से आपका परमिशन मांगेगा। आप यस कर देंगे, आपका पासवर्ड मांगेगा, जब आप इसमें पासवर्ड आके क्लिक कर देंगे तो आपका 15,000 अमाउंट लॉक हो जाएगा। ये हमारा मैसेज आएगा सक्सेस पेज का और लॉक हो गया। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो आपके अकाउंट से 15,000 रुपये ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा तो आपका जो पैसा लॉक हो रखा है वो अनलॉक हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।